सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हाँ जी थोड़ा थोड़े अपनी प्यारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एग्जाम दे विच। सो दोस्तों, इस क्लास दे विच अज आपां सो कंप्यूटर बारे कुछ जीके दे क्वेश्चन डिस्कस करांगे, जिहड़े कि तुहाडे पंजाब पुलिस सो सब इंस्पैक्टर ते पटवारी दे एग्जाम होने ने, तुहाडे लई हैल्पफुल वीडियो होएगी। तो वीडियो ध्यान नाल वेखियो गाइस। सो सारे क्वेश्चन ने जो रिपीटेड क्वेश्चन ने, तो मैं पिछले जो एग्जाम दे विच पुछे गए क्वेश्चन ने सो एक एक क्वेश्चन करके उठाया, ठीक है। तो वीडियो ध्यान नाल वेखियो, दोबारा रिपीट होने के चांस ने, तो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। तो तुहानू इसकी पी डी एफ गाइस टैलीग्राम चैनल के उपर मिल जाएगी। सो टैलीग्राम चैनल का लिंक जी वो डिस्क्रिप्शन दिता हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट कोई अज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आप फस्ट क्वेश्चन गाइज, डैश एक सेवा है जो संस्थावां अपनी वैबसाइट बनाने की आगे दिंदी है। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, वैब होस्टिंग। तो वैब होस्टिंग है गाइज जो कि संस्थावां अपनी वैबसाइट बनाने की आगे दिंदी है। तो इस नाल थोड़ी जी इंपॉर्टेंट जानकारी देख लें। आप वैब होस्टिंग एक सेवा है जो संस्थावां अपनी वैबसाइट www द्वारा पहुँच योग बनाने की आगे दिंदी है। इस सेवा तुहानू अपने वैब पेज में इंटरनेट पर स्टोर करके वैब या इंटरनेट पर डाटा साझा करने की आगे दिंदी है। सो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ इसकी एक उदाहरण है। तो ब्लूटूथ है जो इन्हों किसकी एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निजी खेत नैटवर्क की। मतलब गाइस सो पैन की जिसकी फुल फॉर्म है परसनल एरिया नैटवर्क। सो पंजाबी निजी खेत नैटवर्क, सो ब्लूटूथ उसकी उदाहरण है। सो आम ही अपना मोबाइल फोनों के टैलीफोन के लैपटॉप वगैरह आ गए, सो कंप्यूटर वगैरह उन्होंने ब्लूटूथ ऑप्शन देखते हैं। सो ये सो परसनल एरिया नैटवर्क की उदाहरण है, यानी कि निजी खेत नैटवर्क की, याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सल वर्कबुक विच एक वर्कशीट तो दूजी ते जाने लई एक नू डैश ते क्लिक करना चाहिए है। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, शीट टैब ते। सो शीट टैब ते क्लिक करना पएगा गाइस। सो एम एस एक्सल वर्कबुक दे विच सो एक सीट तो दूजी ते जाने दे लई सो एक नू शीट टैब ते क्लिक करना चाहिए है। तो शीट टैब वर्कशीटां दे विचकार बदलन दी वरती जाती है, ये भी याद रखना है। सो शीट बैक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हां विचों केड़ा फोल्डर व्यू की किस्म नहीं है। तो जिहड़ा फोल्डर व्यू की किस्म नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, कैसकेड्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो टाइल, थंबनेल ते डिटेल, सो ये फोल्डर व्यू की किस्म ने। तो जो कैसकेड्स है सो ये फोल्डर व्यू की किस्म नहीं है, यानी कि टाइप नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम दे विच बहुत बारी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, डैश ऑपरेशन आम कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। जो कि आम कार्ज है जो कि ऑपरेशन आम कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता वह है अंडरसटैंडिंग, पंजाबी समझ ऑप्शन नंबर डी। अंडरसटैंडिंग है जो ऑपरेशन आम कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता। सो ये तो अपन पता ही है, प्रोसैसिंग कंट्रोलिंग सॉर्टिंग सो कंप्यूटर कर सकता है, तो जो अंडरसटैंडिंग है वह नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज डैश डिवाइस है। तो जो ब्रिज है ये लेयर टू डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिज है जो डिवाइस है जो लेयर टू डिवाइस है। तो गाइस जो ब्रिज है सो एक नेटवर्क उपकरण है जो कि डेटा लिंक लेयर दे दो बखरे बखरे नेटवर्कों के नाल समान नेटवर्क में जोड़ने के लिए वरत्या जाता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रभाष पढ़ दो, सो जो ब्रिज है सो एक नैटवर्क उपकरण है जो कि डेटा लिंक लेयर दे दो वक्रे वक्रे नैटवर्कों के नाल समान नैटवर्क जोड़ने के लिए वरत्या जाता है। सो ब्रिज लेयर टू इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, देखो एक उच्च क्वालिटी का सी ए डी सिस्टम ड्राइंगा ते ग्राफा प्रिंटिंग करने के लिए हेठ लिखे विचों केड़ा वरतदा है। वो वरतदा है डिजिटल प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जिहड़ा कि उच्च क्वालिटी का सी ए डी हुंदा है, जिहड़ा कि ड्राइंगा ते ग्राफ्टां नूं जो पेंटिंग करन दे लई वरतदा है, सो डिजिटल प्लॉटर इज़ द राइट आंसर। तो इस नाल थोड़ी जुड़ी जानकारी वेखो, कंप्यूटर प्लॉटर एक किस्म का आउटपुट उपकरण हुंदे ने जो कि आम तौर पर कंप्यूटर सहायता प्राप्त करन डिजाइन कार्जां लई वरते जाते हैं। तो वड्डे वैक्टर डिजाइन जिमें कि आर्किटेक्चरल हो गया,
ब्ल्यू प्रिंट्स लई एक मकैनिकल रंग नाल एक कलम हिला के सुपलॉटर कंप्यूटर उत्ते खिंचे गए वैक्टर ग्राफिक्स नूं दुबारा तैयार करने के लिए पेपर की सतह उत्ते लाइन आर्ट खिंचते हैं। सोच के लिए हैल्पफुल होंगे। ठीक है, तो डिजिटल प्लॉटर इज़ द राइट आंसर, याद रखियो। नैक्सट, हेठ लिखे विचों एक डिस्क उत्ते हरेक फाइल का नाम अते सही स्थान रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड करता है जी फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर बी, जिन्हों की आपां एफ ए टी, ठीक है जी, उसकी फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल, जिहड़ा कि डिस्क उत्ते हरेक फाइल का नाम अते सही स्थान है जो वो रिकॉर्ड करता है। देखो आप थोड़ी जानकारी तौर पर वेखते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल देखो वही फुल फॉर्म है, एक फाइल सिस्टम है जो कि हार्ड ड्राइवों लई तैयार किया गया है, इसकी वरतों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हार्ड ड्राइवों उत्ते अते होर कंप्यूटर प्रणालियों ते फाइलों का प्रबंध करने लई कीती जांदी है, तां ही याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन, इन्हां विचों केड़ा एक्सल विच हाईलाइट कीती चोण नूं बोल्ड करन लई वरत्या जांदा है। देखो जिहड़ा बोल्ड करन लई वरत्या जांदा है वह है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर ए दे विच वेख रहे हो। सो एक्सल दे विच हाईलाइट करन लई सो बोल्ड ते कंट्रोल प्लस बी दी वरतों की जाती है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन, कंप्यूटर विच हेठ लिखी कि भाषा है जो मनुखा की भाषा के नाल मिलती जुलती है और समझने आसान है, वो है गई उच्च पद्धरी भाषा, सो हाई लेवल भाषा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हाई लेवल की लैंग्वेज है जो उच्च पद्धरी भाषा है वो कंप्यूटर के भाषा जी कि मनुख की भाषा के नाल मेल खाती है तो समझने आसान होंगी है, तो इस जुड़ी जानकारी वेखो। सो एक उच्च पद्धरी भाषा एक प्रोग्रामिंग भाषा होंगी है, जिमें कि सी सी भाषा जाती है, फोरट्रान, पासकल, जो कि एक प्रोग्राम नूं प्रोग्राम लिखण दे योग बनाउंदी है, अजिहियां भाषावां नूं उच्च पद्धरी मन्निया जांदा है क्योंकि वह मनुखी भाषावां दे बहुत नज़दीक ने, तां ही याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है, एक किस्म की हदायत जो मशीन भाषा कोड दियाँ कई सत्रां पैदा कर सकती है उसनों डैश कहा जाता है, उसनों मैक्रो कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सो एक किस्म की हदायत जो मशीन भाषा कोड दियाँ सो कई सत्रां जिन्हों आप कतारा कहने, ठीक है, वह पैदा कर सकती है, उसनों आप मैक्रो कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नैक्सट, वर्ड प्रोसैसिंग स्प्रैडशीट अते फोटो एडिटिंग किस किस्म के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ये ने गाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दियाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जो कि वर्ड प्रोसैसिंग स्प्रैडशीट अते फोटो एडिटिंग सो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दियाँ उदाहरण ने, तो याद रखने। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखिया विचों केड़ा उपकरण उपभोक्ता कंप्यूटर सिस्टम के भागा समर्था जोड़न की आग्ञा दिता है, कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटीज, तो कंप्यूटर सिस्टम नाम है, ऑप्शन नंबर ई, सो एक्सपेंशन स्लॉट्स पंजाबी विस्तार स्लॉट, सो एक्सपेंशन स्लॉट है जो जिहड़ा कि उपकरण उपभोक्ता कंप्यूटर सिस्टम के सुभागां ते समर्थन नूं जोड़न की आग्ञा दिंदा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखियो गाइस, ये सो एग्जाम दे विच रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नैक्सट क्वेश्चन, एम एस विंडो में नवा फोल्डर बनाने लई कि शॉर्टकट कुंजी वरती जाती है, वो शॉर्टकट कुंजी का नाम है जो कि नवा फोल्डर बनाने लई वरती जाती है, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जी कि नवा फोल्डर बनाने लई शॉर्टकट कुंजी वरती जाती है गाइज, ये तो तुम्हें की करना सिस्टम के उपर, सो ये तीन की दबा लेना, ठीक है, सो एक समय के जो फोल्डर निकल जाएगा तो उसके उपर तुम अपना जो फोल्डर नाम रखना है वो टाइप कर सकते हो, सो तिना किया नो, सो एक समय के दबा के। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, इन्हां विचों केड़ा एक डीवीड नालों वधेरे स्टोर करता है, तो इन्हां विचों जिहड़ा डीवीडी नालों वधेरे स्टोर करता है वह है ब्ल्यू रे डिस्क, ऑप्शन नंबर सी, तुसीं सब जानते हो गए, सो ब्ल्यू रे डिस्क बारे जिहड़ा कि डीवीडी नालों वधेरे डेटा स्टोर करता है, तो वेखो जेकर नहीं जानते गाइस तो इस विच दस दिंदा, सो जानकारी तौर पर ब्लूरे डिस्क अक्सर ब्लूरे के तौर पर जाना जाता है, एक डिजिटली ऑप्टिकली डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है, यह डीवीडी फॉर्मेट को छापने लिए तैयार किया गया है
कई घंटे की हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोर करने की समर्था है। ठीक है, समझ लग गया होगा, तो यह भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल, इन्हां विचों केड़ा पढ़न लिखण की मैमरी विच जाना जाता है? ओ मैमरी है रैम, ऑप्शन नंबर बी, जिसकी फुलफॉर्म है रैंडम एक्सैस मैमरी। सो फुलफॉर्म भी कई बार एग्जाम के पूछी जा सकती है। सो रैम रैंडम एक्सैस मैमरी, जिड़ी कि पढ़न और लिखण की मैमरी में जानी जाती है, तो जो रोम है इसकी फुलफॉर्म है रीड ओनली मैमरी। दोवें याद रखियो इंपॉर्टेंट ने, तो ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर है। नैक्सट, डैश डिस्क नूं ट्रैकां ते सैक्टरां विच वंडण की प्रक्रिया है, वह है गाइस फॉरमैटिंग, ऑप्शन नंबर बी। फॉरमैटिंग डिस्क नूं ट्रैकां ते सैक्टरां विच वंडण की प्रक्रिया है। ठीक है, सो फॉरमैटिंग इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, एक्सल विच एक्टिव सैल की समग्री नूं की प्रदर्शित करता है? एक्सल दे विच जो एक्टिव सैल की समग्री होंदी है उसनों प्रदर्शित करता है फार्मूला वार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो फार्मूला वार इज़ द राइट आंसर, जिहड़ा कि एक्सल दे विच एक्टिव सैल की समग्री नूं प्रदर्शित करता है। सो फार्मूला वार इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैकेंडरी स्टोरेज मीडिया तो हार्ड डिस्क ते सॉफ्टवेयर प्रोग्रामां की नकल करन की प्रक्रिया नूं की कहिंदे ने? तां गाइस उसनों कहिंदे ने इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर बी। सो सैकेंडरी स्टोरेज मीडिया तो हार्ड डिस्क ते सॉफ्टवेयर प्रोग्रामां की नकल करन की प्रक्रिया नूं कहिंदे ने इंस्टॉलेशन। ठीक है गाइस, ते आपां कह दिंदे आ वी एग्जाम दे विच क्वेश्चन कित्थों कित्थों पुट हो जांदे ने, सो चंगे लेवल दे क्वेश्चन आउंदे ने कंप्यूटर दे विचों। ठीक है, सो अजकल जो कि बेसिक जे क्वेश्चन होंदे ने आपां ओह याद कर लैंदे, उन्हां दे विचों कोई क्वेश्चन नहीं आउंदा हैगा, तां चंगे क्वेश्चन ने, चंगे लेवल दे क्वेश्चन ने, उही तैयार करो, तुहाडा पेपर उही पास कराउणगे। ठीक है, जेकर 20 नंबर जो 25 नंबर का जो कंप्यूटर आउंदा है, तां इस दे विच तुसीं घट्टो घट्ट जो 15 नंबर जां 18 नंबर इस दे विचों प्राप्त कर सको। ठीक है, तो जे कोई एग्जामिन हुंदा है वह तो बहुत ज़्यादा टफ कंप्यूटर पाउंदे ने सो पेपर दे विच। ठीक है गाइस, तो वधिया तैयारी करनी है। वेखदे आ नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन है, तुसीं अपनियां निजी फाइलां फोल्डरां नूं इस विच रख सकदे हो, तां किहड़ी राइट हो जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका माई फोल्डर लगा लेंगे, वह गलत हो जाएगा। ठीक है, वो फोल्डर्स में देख के, तां जो अपनी निजी फाइलां होंदियां ने परसनल फाइलां, तो उन्होंने आप अपने डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस दे विच राइट आंसर होएगा गाइस। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होया है, तो दोबारा रिपीट होने के चांस ने, तो याद रखना है। तो वेखो गाइस, जो कि पंजाब के पुराने पेपर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, सो एक एक क्वेश्चन करके मैं इकट्ठा करके तुम्हें 20 क्वेश्चन डिस्कस कराते। ठीक है, सो अरिहंत की बुक तुम सभी जानते हो, तो वो भी तुम लै लो, जेकर तुम बहुत सारे बुक्स बारे पूछते रहते हैं तो उन्होंने चंकी तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अरिहंत की बुक आँदी है, सो कंप्यूटर की स्पैशल, उस दे विचों बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं तुम्हें पिछले क्वेश्चन भी करा रहा, बिचों उस बुक के भी क्वेश्चन करा रहा। ठीक है, जेकर चंकी तैयारी करनी है तो यह बुक खरीद लो स्पैशल। तो गाइस, तुम्हें वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो बाद लाइक करो, चैनल पर नवे जुड़े हो चैनल में सबसक्राइब करके नाल वाली बैल आइकन प्रेस कर लियो, ता जो तुहानू सो पंजाब के जिन्ना भी सिलेबस है तुसीं साडे नाल जुड़ के सारा कंप्लीट कर सको। तो तुहाडे लई असीं सो मैथ्स की तो इंग्लिश की तो होर अलग अलग जिन्हें भी सब्जेक्ट ने आप वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो पेपर तो पहला तुहाडा सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, तो इसी तरह चैनल में प्यार देते रहो। मिलते हैं नैक्सट टाइम नैक्सट वीडियो के, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।